तो हाय के लग रहा है कि मैं रहा है के सब लग मैं साथ मेरी एनानिमस की करता हूं। ठीक ठाक होंगे मजे में होंगे जाऊंगे खुश होंगे और एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को तो जरा देखो हमारे साथ कौन है बाय द वे ये गेम प्ले थोड़ा सा पुराना है पिछले रैंक पुश का है लेकिन इसमें मज़ा पुराना नहीं होगा इसमें वॉइस ओवर पुराना नहीं होगा वो नया है मजा आएगा आपको साइलेंट सर की हरकतें देखने को आपको मिलेंगी आप काफ़ी एंजॉय करोगे तो ठोक दो फोड़ दो दबा दो लाइक बटन मेरी नॉनीम पब्लिक वैसे जो व्लॉग वाली पब्लिक है सोच कि यार मुबीन भाई दो से तीन दिन हो गए व्लॉग नहीं आया आपका आखिर चक्कर क्या है तो चक्कर बहुत बड़ा है चक्कर बहुत स्पेशल है आपको पता है चल जाएगा इनशाला एक दो दिनों में तो थोड़ा सा पेशेंस थोड़ा सा सबर रखो मेरी पब्लिक हम लोग आए थे जॉर्जो की सिटी और जब दो बंदे रैंक पुश कर रहे होते हैं तो आपको पता है थोड़ा सा ना एक दूसरे पर डिपेंडेंट रह के खेलना पड़ता है यार तूने नॉक नहीं होना यार तू थोड़ा ध्यान से खेलना ठीक है माइनस पड़ जाएगा और ये देखो साइलेंट सर ने आते ही हक दिया यस साइलेंट भाई हमारे नॉक हो गए अब इनको बचाना जरूरी है लेकिन ये एक ऐसी जगह पर है जहां पर जाना थोड़ा सा रिस्की है तो मैंने इसको बोला था भाई अगर तू पीछे आ सकता है तो आ जा अभी मेरे पास हेलमेट भी नहीं है और मैं उस बिल्डिंग में आ नहीं सकता तो साइलेंट थोड़ा सा सेफ था ऐसा नहीं है कि सेफ नहीं था बिल्कुल ही फिनिश होने वाला था वो आ रहा था लाइक वो आ पा रहा था तो मैं भी वेट कर रहा था अब बात कर रहे होते हो ना टीम से तो आपको आइडिया होता है तो जैसे ही मुझे लगा ना कि करीब आ जाएगा मैं भी थोड़ा करीब आ जाता हूँ जहाँ से मैं उसको कवर दे सकूँ यहाँ पर मैं साउंड वगैरह ले रहा होता था एक नेट निकालता हूँ कि अगर वो आएगा फिनिश करने के लिए तो नेट कर दूंगा इसी चक्कर में साइलेंट भी करीब आने लगता है और ये नेट मेरा वैसे ज़ाया हो गया था शायद से हाँ ज़ाया हो गया था मैं वापस आता हूँ डोर ओपन करता हूँ साइलेंट के लिए और यहाँ पर अपने लय झंड साइलेंट भाई को रिवाइव दे देते हैं हम बिल्ली भी देख रही थी भाई क्या अजूबा है ये नॉक होता रहता है फिर वब्लिक फाइट होती है मॉली आने लग जाती है हमारे बम में आग लग जाती है उन्हें फ़ौर से आके हील किया। हील करने के बाद उनके बम में आग लगाने की कोशिश की मॉली कर दी और यहाँ पर वेट करने लगे मुझे सिर्फ डर इस बात का था कि यार मुबिन तेरे पास ना हेलमेट नहीं है और हेलमेट उनका ना होना मतलब एक हैड शोड एम है का एक हैडशोड एम सेवन का किसी भी अच्छी गन का एक हैडशोड और तुम्हारा काम तमाम भाई साहब क्या तो बचा और क्या तो साइलेंसर ने कवर दिया आर्मी इज लव वाह भाई अच्छा नाम रखा तुमने आपको गिली चुम्मी इसी बात पर अच्छा नाम रखने पे मेरी तरफ से आपको आपको गिली चुम्मी ठीक है ढेर सारा प्यार क्या आपने नाम अच्छा रखा वरना बहुत से लोग बुरा नाम हैं तेरा ये तेरा वो फलाना ढिमकाना है उनसे तो अच्छा ही नाम है ना आई लव आर्मी तो भाई को थोड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए वो अलग बात है अभी गिर के हमारी हेल्थ कम हो चुकी है हम यहाँ से जाने लगते हैं अंदर लेकिन दिल डर 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 भी रहा होता कि हीलिंग नहीं है अब अच्छा यहाँ पे क्या हुआ मैंने साइलेंट को बोला भाई मैं कवर फायर देता हूँ तो वेट कर ठीक है और साइलेंट सर ने क्या किया बाहर जम कर दिया भाई एक तेरा टीम मेट है उसके एडियस में तो रुको ना मतलब मैंने साइलेंट को बोला भाई मैं एडियस दूंगा ठीक है तब पुश करना अब साइलेंट सर का तुकी नहीं बनता था बाहर जम करने का साइलेंट सर किल के भूखे बाहर गए और यहाँ पर मेरे साथ भी फिर कोई ऐसे ही हुआ कि मैं जा रहा था वापस फॉल बैक कर रहा था और मुझे भी इन्होंने मार दिया साइलेंट सर भी मर गए आपके अनोनिमस भैया भी मर गए अब हमारा रिकॉल हो चुका था जाया खत्म टाटा बाय बाय लाइक नहीं दबाया ना आपने बहुत गलत कर रहे हो लाइक दबा दो सब्सक्राइब नहीं, नहीं किया तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब नहीं करो ऐसे में बोलने वाला था यार मेरे मेरे मुंह मुंह से से निकल निकल गया मेरी टूट गई कर दो यार लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ क्योंकि साइलेंट सर दोबारा हगने वाले हैं और हम दोबारा साइलेंट सर का हगना आपको दिखाने वाले हैं तो यहां पर क्या होता है ये देखो साइलेंट सर क्या के नॉक कैन यू इमेजिन दिस बंदा रैंक पुश कर रहा है बंदा में आप बाहर जाओगे आप मर जाओगे आपका रिकॉर्ड हो चुका है ऐसी हरकतें कर रहा है सोचो आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा होगा साइलेंट को बचाने के लिए लेकिन देखो यार मेरा छोटा भाई है मेरा प्यार है मैं गया मैंने कहा मैं अपने भाई को इस मुसीबत में नहीं छोड़ूंगा मेरा रैंक जाते हैं तो जाए मुझे माइनस पढ़ते हैं तो पढ़े लेकिन मैं अपने भाई को ऐसे मरता हुआ तड़पता हुआ नहीं छोड़ सकता मैं भाग कर साइलेंट के पास आता हूँ इसको हाथ लगाता हूँ इसको रिवाइव दे देता हूँ भाई वो अलग बात इसकी हरकतें नहीं है रिवाइव लेने वाली बट स्टिल हमने अपने साइलेंट भाई को रिवाइव दिया बचाया और यहाँ पर वापस से जॉर्जपुल आ गए बहुत रिस्की रफ था लेकिन अलहमद लाहमद हमने साइलेंट सर को बचा लिया यहाँ पर अब बाबा जी क्या होता है कि जिन बंदों ने हमें हमारे वहाँ से हमें वहाँ से मारा था ना पंगा लिया था वो हमारे से चढ़ जाते हैं और यहाँ तो फिर आपके अनोनमस ने ना उनका कबाड़ा कर दिया सही करके ना रिवेंज लिया एक बंदा डाउन कर दिया था ठीक है अब इनको यहाँ छोड़ना तो बड़ी बेवकूफ़ी होगी और आपका कल ही इन पर पड़ गया था कि छोड़ूंगा नहीं भाई इन पर जरा ना ऐसी की तैसी बंदा फिनिश किया क्योंकि वो रिवाइव होने के लिए गाड़ी के पीछे जा रहा था गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और मैं दोबारा रैंडम शॉर्ट्स देता हूँ गाड़ी के पीछे तो डैमेज पड़ता है बट कोई बंदा डाउन नहीं होता अब मुझे था यार स्मोक भी वो है तो ट्राई करता हूँ कर एक और नॉक निकालने में कामयाब हो जाता ये वही भाई भाई आर्मी इज लव वाले भाई पे मैंने नेट निकाले और रैंडम स्पैम करना शुरू कर दिए अब उन्होंने हमें डाउन किया था ये ये मौका था मेरे पास उनसे रिवेंज लेने का और आपके नॉन में इसने अकेले रिवेंज लिया भाई ओ भाग के आया था भार देखा आपने लेकिन ये साइलेंट सर फिर से नॉक हो गया देख रहे हो साइलेंट सर फिर से नॉक हो चुके हैं साइलेंट यार कब भाई कब कब खेलना सीखोगे अच्छा एक टाइम था साइलेंट को जब मैंने नया नया टीम में रखा था, था ना तो भाई साइलेंट अपने आप को ना बहुत प्रो जाहिर करता था और ये कहता था मुझे मुझे नहीं बाकी टीम को कहता था मतलब बहुत ज़्यादा बीस पच्चीस मेम्बर होते थे उस टाइम ना क्लाइन के कहता था कि भाई मुबिन मुबिन भाई मैं ना इन सबको ना ट्रेनिंग दूंगा स्कोप कैसे चलाते हैं ये वो यार अभी साइलेंट सर की हालत आपके सामने है ठीक है लेकिन नहीं अच्छा लड़का यार बहुत अच्छा है शुगर मेला अपनी जगह मैं तंग करता हूँ मज़ाक करता हूँ लेकिन दिल का बहुत अच्छा है और मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आता है बहुत इज्जत देता है तो भाई को उस हिसाब से बहुत ज़्यादा प्यार लेकिन शुगर मेला चलता है बगी उठाई जोन के लिए निकल गए और डर लगता है यार रैंक होता है ना तो आपको थोड़ा सोच समझ के खेलना पड़ता है और अभी आपको जैसे मैंने बताया कि मेरा रिकॉल भी ज़ाया हो चुका था तो उसका डर आपके दिल में होता है और मेरे दिल में भी था स्कूल अपार्टमेंट्स हम लोग आ जाते हैं और यहाँ फाइट लेना एक अलग ही फील आती है यार आप जब अपने स्क्वाड के साथ होते हो तब तो ज़्यादा मजा आता है आप जब अपने स्क्वाड के साथ नहीं होते तो और ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि आप अकेले होते हो ना तो आप ज़रा थोड़ा तरीके से थोड़ा पैशन से खेलते हो गेम को इन्जॉय करते हो सही है तो यहाँ पे मैं भी इसी तरह आ जाता हूँ स्कूल अपार्टमेंट में और यहाँ पे घूम रहा होता हूँ ढूंढ रहा होता हूँ बंदे तो यहाँ पे मुझे बंदा नज़र आ जाता है भाई और मैंने उसको क्या तो डाउन किया था दिल गार्डन गार्डन हो गया था फायर आता है पहाड़ की तरफ से जिसे पटैटो हिल कहा जाता है पटेटो हिल की तरफ से जैसे फायर आया मैंने देखा मैंने यहाँ पे उसको फ़ौरन से स्प्रे करके डाउन कर दिया ठीक है गरीब भाई का नाम था और मुर्शद को डाउन कर देता है यहाँ पे साइलेंट तो साइलेंट सर वापस से ना जो अपना गेयर लगा लिया था हमारी खोती ने दूसरा तीसरा गेयर लगा लिया था पहला गेयर निकाल दिया था और अब थोड़े से ना जोश में आके खेलना शुरू हो गए थे हमारे साइलेंट सर जब भी मैं साइलेंट के साथ खेलता ना मुझे थोड़ा सा लगता है कि यार इस गेम में माइनस पड़ेंगे बट फिलहाल तक हम लोग जिंदा थे हमारा रिकॉल बेशक जया हो चुका था लेकिन हम लोग सर्वाइव कर रहे थे रश हो जाता है आपके उन्होंने तो नेट फेंका बंदा नेट से जरूर डैमेज हुआ होगा इसी चक्कर में मैंने ना रश करना चाहा लेकिन 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 उसने मॉल ही कर और मॉल यहाँ पे जला देती है कमरे को मैंने एक नेट निकाला सोचा नेट से डाउन कर दिया जाए नेट किया पीछे से बंदा आ जाता है था तो था अब तो भाई मेरे किल भी चुरा रहे ये तो कितनी गलत बात है यार लेकिन कोई बात नहीं बेशक इसका होने वाला शोहर खोता है या मेरी जिगर का टोटा है इतना तो मैं इसको हक दे सकता हूँ कि मेरा किल चुरा मतलब ले हैं अब मैं वापस से बिल्डिंग के ऊपर आ जाता हूँ और छः गिल के साथ सबर करता हूँ थोड़ा सा लेकिन दूर से मुझे बंदा नजर आता है वो तो उनको ना थोड़ी खुजली हो रही होती है हमने कहा चलो हम ना इनको इचिंग पाउडर लगाते हैं तो यहाँ पे हमने लेट के स्प्रे दिया और इनको इचिंग पाउडर लगा दिया इनकी खुजली हो गई ख़त्म खुजली ख़त्म करने के बाद गन को रिलोड किया हमने बाबा जी और बड़ा बड़ा सुकून का सांस लिया कि आ मज़ा आ गया दिल गार्डन गार्डन हो गया इतनी देर में यहाँ पे यूएस आ जाती है और यूएस भागने लगती है ऐसे कैसे बाबा जी ऐसे कैसे बाबा जी यहाँ पे हमने बलोच जीरो जीरो सेवन भाई को डाउन किया बलोच भाई सॉरी यार दिल से सॉरी हमने आपको डाउन कर दिया लेकिन मज़ा आया भाई की गाड़ी फाड़ के उड़ाने में गाड़ी ब्लास्ट करके उड़ाने का अलग ही मज़ा होता है भाई यहाँ पे मैं उस बंदे पे नेट करता हूँ वो मुझ पे नेट करता है भाई साहब मेरा नेटवर्क जल्दबाजी में, में मेरे ऊपर ही गिर जाता है बट मैं यहाँ पे बच जाता हूँ वरना तो भाई ऐसी की तैसी हो गई थी कन्फर्म ऐसी की तैसी हो गई थी लेकिन अलहदुल्लाहमदिल्ला हम बच गए और जान में जान आई हाय बचत हो गए भाई अब पब्लिक क्या होता है कि यहाँ पर नौ बंदे अलाइव रहते हैं जिसमें से सात बंदे और होते हैं दो हम ही होते हैं सात मेरे किल होते हैं और यहाँ पर ना नीचे कोई बंदा आ रहा होता है बहुत सारा फुटप्रिंट आ रहे होते हैं मैं रेडी हो जाता तो हूँ फाइट लेने के लिए नेट निकाल लेता आप कन में पुराने नेडियर की तरह ग्रेड्स करने लग गया ढेर सारे मैं नेट करता हूँ नेट जाता है लेकिन नेट से कुछ होता नहीं है शायद मुझे गलत फुटप्रिंट आ रहे थे फिर मैं एक और नेट निकालता हूँ नेट निकाल के मुझे लग रहा था वो बंदा रश कर रहा है मॉली करने आया था मैंने एक और नेट फेंका भाई पता नहीं क्या इन्होंने नेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई है क्या सीन है भाई ये वही है जिनको हमने मारा था, था दोबारा से आ गए इसको देखो ये क्या कर रहे है, है भाई क्या कर रहे हो अले अले अले, 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 अले आर्मीज भाई आप तो बड़े सादे हो यार आप तो बड़े प्यारे हो यार लव भाई यू आर वेरी क्यूट लेकिन भाई ये बंदा जॉनथन के कपड़े पहन के यहाँ पे खुजली कर रहा था इनको भी इचिंग हो रही थी अब इचिंग पाउडर लगाना जरूरी था पहले हमने मेटकिट लगाई की पहले जरा मेटकिट लगाए फिर इचिंग पाउडर लगाएंगे इनको लेकिन पता नहीं फिर हमने लगाया था लगाया था लेकिन यहाँ पर क्या था के छे नहीं लगाया था फिलहाल उनसे फाइट नहीं होती पब्लिक के बंदे आते हैं इनमें से मैं एक को डाउन कर देता हूँ नॉक कर देता हूँ क्योंकि वो भाई वो अंदर जा रहे होते हैं घर के शायद से ना बच सकते थे लेकिन उनका टीम जो है वो जंप करने लगता था मैं उनको छोड़ देता हूँ कि यार चलो ये जम कर रहा है बट नीचे जो बंदा होता है ना वो इस जंप वाले को मार देता है यार मुझे इतना गुस्सा होता है भाई तूने जंप वाले को मार दिया तेरी ऐसी किसी दिमाग खराब हो जाता है यार कि वो बंदा जम रहा था मैंने उसको नहीं मारा चलो उससे लास्ट में मीटअप कर लेंगे बातचीत कर लेंगे बट भाई तूने इनको मार दिया दिमाग खराब कर दिया नेट फेंका मैंने उसको नेट के नेट से डाउन हुआ वो फॉरन से यही वो बंदा था जिसने पैन रखा था जॉनसन वाला सूट और इन दोनों को मैंने डाउन किया ऐसे में मिला विनर विनर चिकन इधर मेरी पब्लिक वीडियो कैसे लगी लाइक सब्सक्राइब शेयर करके कमेंट से रुपए तो माफ कर देना चलेगा तो इसे प्यार करते रहना सपोर्ट करते रहना कमेंट में डन या फिर अलहमदुल्ला डन लिख देना पाक पढ़ के मिलेंगे नेक्स्ट में जल्दी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना दुआ में याद रखना दिल से लव यू मेरी पब्लिक बहुत 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 ज्यादा प्यार Allah face